दोस्तों असर टाइम हमारे कबूतर उड़े थे और अभी ना बिल्कुल शाम हो चुकी है ये देखना बिल्कुल अंधेरा हो चुका है मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका है और सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है तकरीबन तक पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं सूरज को रूब हुए और हमारे कबूतर ना अब भी उतर रहे हैं जो दो कबूतर बिल्कुल अभी कैमरे में भी अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहे और देखते हैं यार ये उतर पाते कि नहीं उतर पाते फिलहाल तो ये उड़ रहे हैं और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है बादल बिल्कुल बने हुए हैं और हवा भी चल रही है और कबूतर अभी उड़ भी रहे हैं तो मज़ीद दस मिनट गुजर चुके हैं और ये ना बिल्कुल अंधेरा हो चुका है इस साइड पर ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो चुका है और ये कबूतर ना बिल्कुल ये नज़दीक आ चुका है ये सामने आ चुका है बिल्कुल और शाम को ना जो अभी मैंने पहले आपको बताया था उससे भी दस मिनट गुजर चुके हैं और ये देखना बिल्कुल नजदीक आ चुका है और ये अभी शूट लगा के ना नीचे उतरने लगा है अभी इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा सिर्फ ना अंदाजे पर उतर रहा है ये देखे ना अभी ये बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको काला ये आया और ये शूट लगाई और ये बिल्कुल ये वो सामने आपको नज़र आ चुका है दोस्तों अभी कबूतर उतर चुका है अभी मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ सामने ना ये सामने बैठे हुए दोस्तों ये बिल्कुल देखे ना बिल्कुल ये सामने आपको नजर आ रहा होगा अभी मैं आपको ना नजदीक से दिखाता हूँ ये जब उतरेगा ना मैं आपको पकड़ के भी दिखाऊँगा ये सामने बैठा हुआ है दोस्तों ये सामने बैठे हुए आपको नज़र आ रहा है ना आँखें इसकी अभी चमक रही होंगी ये सामने नज़र आ रहा है आपको तो ये आप बिल्कुल अंधेरा हो चुका है इस साइड पे देखना मुकम्मल तौर पे अंधेरा है ये देखना मेरे हाथ पे लाइट लग रही है और इस साइड पे आपको मुकम्मल ना यार ये अंधेरे में उतर आया है यार कितना मज़ा आ चुका है ये देखें सामने बैठे हुए हैं तो इसको नीचे उतरने देते हैं यार ताकि ये खुडे पे अपने खुडे पे ना उतर आए क्योंकि जमीन दोस्त खुडे में इसमें जाने तो इसको उतरने देते हैं अभी ये मास्टर केज पे बैठ चुका है मास्टर केज पे उतर चुका है और ये इसका नज़दीक नज़दीक ही यहाँ पर खुडा है अभी देखते हैं ये उतरता है या नहीं उतरता इसको ना यार पकड़ते हैं पीछे से ना आराम से पकड़ लेते हैं और इसको ना नीचे नीचे उतारते हैं ऐसा ना यार इसको मास्टर नज़र नहीं आ आराम से आराम से अभी इसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि देखें ना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो इसको यार पकड़ लेते हैं किसी तरीके से दोस्तों अभी उतर रहा है ये देखें अभी मास्टर अभी ना खुडे के मुंह के ऊपर बैठ चुका है और अभी ये ना ज़मीन में अभी घुड़े के अंदर जाएगा ये देखें ना सामने बैठे हुए और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी ये ना जाएगा अंदर ही जाएगा ये देखें बिल्कुल मैं इसके नज़दीक पहुँच चुका हूँ अभी ये खुडे में बिल्कुल नीचे उतर जाएगा देखते हैं यार क्या बनते हैं रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों अभी इसको नज़र आ रहा है मैं क्योंकि लाइट ऑन की हुई है ना तो कैमरे की लाइट ऑन है इस वक्त तो ये ऊपर बैठे हुए इन शाला ना ये अंदर चला जाएगा देखते हैं क्या बनता है ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ तो यार ये उड़ने लगा या क्या करने लगा यार कैमरे की मैं थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ तो ये देखें अभी ये देखे ना दोस्तों कैमरा मेरा साफ नहीं था जिसकी वजह से ना सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था अभी देखे ना ये बिल्कुल आ, दूसरी तरफ है ना अंधेरा हो चुका है अंधेरा है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंधेरा है और ये ना अभी उतरेगा उतरेगा वेट कर रहे हैं अभी उतरता है कि नहीं उतरता उतर जा यार उतर जा मैं तेरे ऊपर खड़ा हुआ आराम से यार इसको उतरने देते हैं अगर इसके नज़दीक में गया ना ये उड़ पड़ा तो फिर ये घर वापस नहीं आएगा रात को इसको बिल्ला वगैरह बिल्ली वगैरह खा लेंगे किसी न किसी कुत्ते के ऊपर चढ़ जाएगा या कुछ ना कुछ ना इसको तो ये कबूतर मैं इसको ना नज़दीक से कबूतर दिखाता हूँ ताकि इसको ना सारे कबूतर जब नज़र आएंगे ना तो फिर ये नीचे उतर जाएगा ये वो गया दोस्तों ये नीचे उतर गया अभी ये सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है अभी इसको हाथ में नज़दीक करता हूँ तो ये वो गया अपने जाले में अपने घर में वो बैठ गया दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे दोस्तों रात को आज हमारा कबूतर वापस आया आपने देखा है पहले तो मैंने यार कैमरे की सफाई नहीं नहीं हुई थी कैमरे के ऊपर ना धुंधला धुंधला आपको नज़र आ रहा था फिर मुझे ख्याल आया कि यार इतना ज़्यादा धुंधला नहीं हो सकता बहरहाल हमारे कबूतरों का रात को जो रूटीन होती है ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर हमारा वापस आ चुका है रात को आया और रात को ना नीचे उतर है कोर्डे में आपने मुकम्मल तौर पर देख लिए अभी ना मैं आपको कबूतरों की रात की रूटीन दिखाता हूँ कि कबूतर हमारे ना रात को कहाँ कहाँ बैठे होते हैं तो अभी देखे ना दोस्तों इस साइड पर ना हमारे कबूतर सारे बैठे हुए हैं तो अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सुकून से बैठे होते हैं और इनके ना कौन कौन से अपने अपने नेस्ट ये देखना वाले कबूतर हैं वो तो अपने अपने नेस्ट में हमें पता है कहाँ कहाँ होंगे तो ये ना सारे ऑन की पास बैठे हुए इस साइड में मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ बच्चों वाले जितने भी कबूतर हैं ना अपने बच्चों के पास बैठे हुए हैं बाकी कबूतर जो बच्चों वाले अंडों पे जो तैयार है वो भी साथ साथ बैठे हुए इस साइड पे देखें वो जोड़ा नीचे नीचे बैठे हुए उसके बाद इस साइड पे देखें ये एक मादा बैठी हुई है दोस्तों उसके बाद इस साइड पे दिखा मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें सामने बैठे हुए अंडों पे बैठे हुए हैं और ये ना नीचे जो हमने लकड़ी रखी हुई है एक इसके ऊपर ये तीन कबूतर बैठे हुए हैं और कुछ कबूतर नीचे सारे बैठे हुए हैं वो देखे ना काला कबूतर इस वक्त भी मस्तियां कर रहे हैं ये देखे सामने काले कबूतर के काम चेक करें यार रात के वक्त तो इस तरह के ये काम कर रहे हैं तो इनको लाइट इनको ना सर्दियों में हम इधर ना अंदर बल्लब लगाएंगे या लगाने की जरूरत नहीं है टेम्परेचर ठीक होते हैं बहरहाल दोस्तों मज़ा आया होगा आप लोगों को तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला विलोग ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा अगर व्लॉग पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल पेंडू बरदर को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दौ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़